हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इसका इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव यूट्यूब चैनल के एक न्यू और प्रेस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाया हूँ एक स्मार्ट ग्लास जो कि अंधे लोगों के लिए बहुत ही काम आएगा एंड इसका वॉकिंग तो आप वीडियो के शुरू में ही देख लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज के लिए कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी आर्डिनो या फिर माइक्रोकंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजिली ये बन जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है दिखाया हूँ, सर्किट डायग्राम भी दिया हूँ एंड कहाँ पर आपको सबसे कम दाम पर ये सारे कंपोनेंट मिलेगा वो भी बताया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको बहुत इजीली घर पे बना लोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगा एक पीस अल्ट्रासोनिक सेंसर की, एक पीस 555 टाइमर आईसी की, एक पीस 8 पिन आईसी बेस की, एक पीस 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर की, एक पीस 1 किलो ओम रेजिस्टर की, एक पीस 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की, एक पीस 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की, एक पीस 5 वोल्ट बजर की, एक पीस 4 पिन फीमेल हेडर पिन की, एक पीस 0 पीसीबी की। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको जो भी सारे कंपोनेंट दिखाए ये सारे कंपोनेंट को मैं परचेस किया हूँ मेकर बाजार नाम की एक वेबसाइट से। मेकर बाजार एक इंडियन वेबसाइट है जहाँ पर आपको तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, टूल, आईओटी मॉड्यूल, सेंसर बहुत ही चीप रेट पर मिल जाता है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इंक्लूड जीएसटी है, मतलब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इंक्लूड जीएसटी होने के बाद भी कितना चीप रेट पर आपको सभी कंपोनेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ भी बाय करने के लिए सिंपली माय अकाउंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गूगल या फिर फेसबुक से लॉगिन हो जाना है एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उस जो भी कंपोनेंट लेना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे इसको लेना है तो इसको यहाँ पर बाइट नाउ पर क्लिक कीजिए आप। तो क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लॉगिन होने का बोल रहा है, तो आप लॉगिन हो जाना, उसके बाद एड्रेस वगैरह फिल करके आप इसको बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो पे जो भी सारे कंपोनेंट का यूज़ किया ये सारे कंपोनेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करना। तो फ्रेंड्स, चलिए सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके सभी कॉम्पोनेंट को पीसीबी के ऊपर माउंट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर सभी कंपोनेंट को माउंट कर लिया। तो चलिए अभी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी कंपोनेंट को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। सॉरी, मैं सोल्डरिंग को नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो के अंदर दिखाना मुश्किल है थोड़ा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से सभी कंपोनेंट को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। आप भी सर्किट डायग्राम को देख के बहुत ईजिली ऐसे सोल्डरिंग कर पाओगे। और फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक व्हाइट कलर का वायर ले लिया हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर सर्किट की नेगेटिव साइड के साथ सोल्डर कर दिया। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूसरा और एक पिंक कलर का वायर ले लिया हूँ जिसको मैं यहाँ पर सर्किट की पॉजिटिव साइड के साथ सोल्डर कर दूंगा। तो मैंने दोनों वायर को सोल्डर कर दिया। तो अभी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक फीमेल हेडर ले लिया हूँ 4 पिन वाला और इसको मैं यहाँ पर क्लिप के साथ लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पर मैं 4 वायर ले लिया हूँ जो कि फ्रेंड्स एक मतलब पुराने डीवीडी से मुझे ऐसा वायर मिला है, तो आप भी ऐसा ले लेना एंड इसको फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 4 पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब ले लिया हूँ एंड हीट सिंक ट्यूब को मैं इसके अंदर अच्छे से यहाँ पर फिट कर दे रहा हूँ एंड अभी इसको हीट करके अच्छे से लगा दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब नहीं है तो आप ब्लैक टेप से ऐसा कर लेना, ठीक है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 पिन वाला मेल हेडर ले लिया हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर क्लिप के साथ लगा दे रहा हूँ ताकि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी हो। एंड फ्रेंड्स, भाई 4 वायर को मैं यहाँ पर 4 पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको सोल्डर कर दिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके ऊपर भी ब्लैक टेप लगा लेना, मैं ब्लैक टेप लगा लूँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कनेक्टर है ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर एक पुराना चश्मा ले लिया हूँ, आप भी ऐसा एक ले लेना। एंड फ्रेंड्स हमें इस साइड पे बैटरी को लगाना है, तो बैटरी को लगाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लूगन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर ग्लूगन से यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगा लेता हूँ बैटरी के एक साइड पर। देख सकते फ्रेंड्स मेरा ग्लू बहुत हॉट है, तो आप भी मतलब थोड़ा सावधानी से काम करना, नहीं तो हाथ पे लग सकता है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको चिपका लिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड पे बहुत ही अच्छे से चिपक चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, इस कनेक्टर जो हमने अभी बनाया, इस कनेक्टर को हमें लगाना है एकदम चश्मे के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं ग्लूगन की मदद से इस कनेक्टर को अच्छे से यहाँ पर लगा लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। तो अभी फ्रेंड्स इस वायर को हमें पीछे से ले जाके एकदम चश्मे को ऊपर से ले जाना है, ठीक है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसा सेम टू सेम करना, तो आपका ज़रूर वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से चिपका लिया ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, इस बैटरी के ऊपर सभी कॉम्पोनेंट को माउंट करना है, सॉरी कॉम्पोनेंट नहीं सर्किट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सर्किट के ऊपर भी अच्छे से ग्लू लगा दिया, देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर बैटरी के ऊपर अच्छे से चिपका देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से चिपका दिया। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक डबल टेप ले लिया हूँ, एंड डबल टेप की मदद डबल टेप को मैं यहाँ पर बैटरी के ऊपर चिपका दिया एक साइड पे, और इसके ऊपर से मैं यहाँ पर ये जो स्टिकर है इसको मैं हटा लिया। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक TP4056 जो चार्जिंग मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल मैं ले लिया हूँ, एंड इसको फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अच्छे से इसके ऊपर चिपका दिया। ये फ्रेंड्स हमारा बैटरी का चार्ज करने के काम करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दूसरा और एक डबल टेप ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर नीचे ही लगा दिया, एंड इसके ऊपर से भी मैं स्टिकर को हटा देता हूँ। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पुश स्विच ले लिया हूँ, जो कि एक बार पुश करने से ऑन होता है और एक बार पुश करने से ऑफ होता है, एंड इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर चिपका लिया। तो अभी फ्रेंड्स देखिए हमारा सर्किट से जो वायर आ रहा था पॉजिटिव का, उसको मैं यहाँ पर पुश स्विच की एक साइड पर सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पुश स्विच की एक साइड पे सोल्डर कर दिया, एंड जो हमारा सर्किट का नेगेटिव है इसको मैं यहाँ पर बैटरी के साथ डायरेक्ट नेगेटिव पे सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक छोटा सा वायर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर स्विच के साथ एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ सोल्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव के साथ सोल्डर कर दिया, एंड यहाँ पर और एक वायर लेके नेगेटिव के साथ सोल्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैं बैटरी की पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वायर को एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव वायर को सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चार्जिंग मॉड्यूल का भी कनेक्शन हो गया, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स हमारा जो जम्पर वायर था, मतलब जो कनेक्टर था, कनेक्टर को मैं यहाँ पर अभी अच्छे से लगा लेता हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मतलब ठीक ठाक सब पिन पे लग रहा है या फिर उल्टा लग रहा है, नहीं तो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर खराब हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर काम करना। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बार चार्ज दे के इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पिन को ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्ट करते ही यहाँ पर रेड कलर का एक LED ग्लो कर रहा है। तो अगर ये रेड कलर का LED ऑफ होके ब्लू कलर का जलेगा, तब आप समझ लेना कि आपका बैटरी जो है ये फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए अभी इसको मैं यहाँ पर अभी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमारा जो स्मार्ट ग्लास है ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।